ये हमारे पूज्य महाराज श्री हमको बार बार कहते, बेटा जो धन आराम से आ रहा है धन मत समझना, समझना विपत्ति ला रहे हो। वो आएगा तो कितना लेके चला जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। इसलिए बिना आराम कुछ ना हो। जो लोग अपने बड़े बड़े बच्चों को घर में बिठा बिठा के रोटी दे रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, अपने हाथों आप अपनी संतान को समाप्त कर रहे हैं। आराम से जब भेटाएगा तो कौन काम करना चाहेगा है? नियम बनाइए। एक अवस्था 25 साल अवस्था होने के बाद जब तक काम न करें तब तक रोटी न खाएं। हम लोग कथा गाने निकलते हैं घर से, महाराज जी का सख्त आदेश है, आंधी आवे तूफान आवे पंडाल उड़ जावे, लेकिन कथा गानी है तो गानी है। जिस दिन कथा नहीं गाओगे राजन, उस दिन रात को भोजन मत करना। हम लोग नहीं करते। ऐसी स्थिति एक ही दोबारा आई है, नहीं तो हम लोग अब तो ठाकुर जी कृपा हो गई, बड़े बड़े पंडाल लगने लगे। पहले पाइप वाला पंडाल, अब मैट के जगह पंडाल में पुअरा। यही गोपालगंज में कथा गा रहे थे हम लोग 2013 में, कुचाए कोर्ट में यज्ञ था, कथा थी। पांचवें दिन आया तूफान, ऐसा तूफान आया कि पंडाल के पाइप एक एक किलोमीटर दूर गिरा रह जाके। आ जहां बैठना है श्रोताओं को वहां पूरा हपच के पानी कचरा एकदम दल दल। यजमान आए बोले महाराज आज कथा नहीं होगी। बोले कौन सी कथा जो आप बांच रहे हैं? हम बोले होगी महाराज जी, पंडाल नहीं खे, हमने कमरा में हुई और रूम में हम लोग दो दिन कथा गाए, कोई श्रोता नहीं। भैया लोग, हम लोग बिना माइक के तीन तीन घंटा कथा गाए। क्यों? कथा गाने आए हैं ना, आप लोग भले नहीं सुनेंगे, ये रघुनाथ जी शंकर जी हनुमान जी जहां गाएंगे वही सुनेंगे, वही कथा। उसके बाद दो दिन हम लोग पेड़ के नीचे कथा किए, बरगद का विशाल पेड़, याद है रहो, बरगद का विशाल पेड़, सीमेंट का चबूतरा। कहें कि शंकरो जी तो बरगदे के नीचे कथा गाए थे, बाबा चाहते हैं उसका भी आनंद जीवन में मिल जाए, तो बरगद के पेड़ के नीचे व्यासपीठ लगा गद्दा और ऐसे ही खुले में लोग बैठे और दो ही दिन कथा बरगद के पेड़ के नीचे। भाई ये क्या है, नियम बनाइए। जब तक दिन में काम न करें रात को भोजन न करें। एक श्रोता ने हमसे पूछा महाराज ससुराल में गए हैं तो, श्रोता तो अद्भुत अद्भुत माई बाप, बोला महाराज ससुराल में तो कोई काम करने नहीं देता है, आप बोले मेहनत ना हो तो भोजन न किया जाए, उसका भी उपाय है। ससुराल में गए हैं तो बाथरूम में नहाने जाते होंगे ना, बाथरूम का गेट बंद करिए, हाथ में साबुन लगा के और बाथरूम का टाइल्स रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए। टाइल्स धो दीजिए, आत्मसंतुष्टि रहेगी ना कुछ कैले बानी। आराम से किया हुआ भोजन, क्षमा करिएगा, शरीर में व्याधियों को जन्म देता है, जीवन रोगी हो जाता है। इसलिए आराम से भोजन न जावे। रघुनाथ जी रचना बनाए, मैया और भैया को लेकर वन में निकले, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु बंद विप्र गुर चरण प्रभु चल कर सब ही अचे। साथ में अयोध्या वासी लगे तमसा तट पर, रात्रि में भगवान माया को प्रेरित करके ऐसा सुलाया सबको, सब सो गए गहरी निद्रा में। सुमंत जी रथ लेकर भगवान को आए हैं, सुमंत जी से भगवान ने कहा मध्य रात्रि में रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाइए और चलिए। अयोध्या वासियों को छोड़कर भगवान आगे बढ़े, सिंहवीरपुर में पहुंचे, निषाद राजगुरु से भगवान मिले। रात्रि बीती निषाद राजगुरु के पास, रात में लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु को, जब वो रोने लगे कि राम जी धरती पर सोए हैं, लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु को भगवान का स्वरूप बताया, ये जो सोए हैं ये जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमारथ गुरु।
निषाद जी जो सोए हैं मेरे भैया ये जीव नहीं है ब्रह्म है। स्वागतम स्वागतम जय 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 विराजे। जय 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 बैठे 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 ठीक बानी जय जय श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सारे लोग गाइए बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे आपके मध्य में हमारी क्षेत्र की परम आदरणीय सम्मानित सांसद महोदया श्रीमती कविता सिंह जी यहां पर आई हैं पूरे अपने परिकरों के साथ। बहुत बहुत स्वागत। हम खोजते रहनी रहुआ सबके। जय जय भगवान। सोए हैं लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी ये जो सोए हैं जीव नहीं है ब्रह्म है। राम ब्रह्म अरे परमार्थ रूप ये परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे परमार्थ क्या है। लक्ष्मण जी बोले मन से वचन से कर्म से इनके चरणों में प्रेम करना यही परमार्थ है। मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग हो जाना यही जीवन का श्रेष्ठ परमार्थ है। सबेरा भया घाट घाट के प्रभु ने निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और सिर में केश में लगाकर और सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। 14 साल वन में रहना है तो केश को व्यवस्थित किया जाए। सुमंत जी ने राम जी को चलने का निवेदन किया। सीता जी से निवेदन किया प्रभु ने बरबस राम सुमंत्र पठाया। राम जी ने वचन का सत्य का दुहाई देकर और बरबस सुमंत जी को अयोध्या भेज दिया। अयोध्या भेजकर भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के तट पर आए हैं। अब पिछली रात्रि जब लक्ष्मण जी निषाद जी से बताएं कि राम जी जीव नहीं है ब्रह्म है और राम जी के चरणों में प्रेम करना परमार्थ है वहीं बगल में केवट भैया खड़े थे और सब सुन लिए। ये जान गए हैं कि राम जी जीव नहीं है जगदीश है हेमंत भैया इनके गोड़ में प्रेम कैले असली परमार्थ बा। सबेरा हुआ केवट जी दौड़ कर गए निषाद राजगुरु के पास बोले सरकार एगो बिनती बा हमार रहुरा से। हम चाहतानी कि रघुनाथ जी
हमरे नाव में बैठ के वो पार हुई तो रुआ एगो सूचना भेजवा देती गांव में कि केहू भी मल्लाह ए बेरा केहू घाट पर ना जाओ हमरा के छोड़ के। निषाद जी बोले ठीक है, डुगडुगी बच गई। निषाद जी पूरे नगर में सूचना भिजवा दिए कि कोई भी केवट मल्लाह गंगा तट पे आज नहीं जाएगा, छोड़ इनको। केवट भैया गए गंगा तट पर, नाव को किनारे से खोले और बीच नदी में ले जाके खड़ा किए। क्यों किनारे रखिए, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ के बोली कि ले चलो, फिर का हुई, पहुंच से दूर करो। राम जी लक्ष्मण जी गए, जो भगवान पूरे संसार को देते रहते हैं वो भगवान, ये प्रेम का प्रभाव है कि केवट से मांगने के लिए भगवान प्रस्तुत हो गए। हाथ फैलाकर भगवान ने कहा, एजि मांगी नाव न केवट जी। निषाद राजगुह गंगा के तट पर आए, केवट जी नाव लेके बीच नदी में खड़े हैं। जैसे पंडाल के बहरा लोग खड़ा बना, आप देखिए जैसे लोग खड़े हैं पंडाल के बाहर उधर, उसी प्रकार दूरी बनाकर निषाद राजगुह के सिंगवेरपुर के नगरवासी खड़े थे दूर में, पास में नहीं आ सकते क्योंकि राजा साहब है, प्रोटोकॉल है। नगरवासी दूर खड़े हैं, नगरवासियों ने देखा कि केवट जी नाव को बीच नदी में ले जाके खड़ा किए हैं, वहीं से इशारा करने लगे, ओ पार चल जा, ओ यह माते ने कहे
इस पार केवड़ जी आ जाएंगे तो रघुनाथ जी उस पार चले जाएंगे, और केवड़ जी उस पार रहेंगे तो राम जी इसी पार बने रहेंगे। इसलिए कहते आना मत, उधर ही रह जाना। राम जी पहुंचे गंगा तट पर और पहला शब्द भगवान का, मांगी नाव। केवड़ जी को देखिए, न केवट भगवान ने नाव मांगी, केवड़ जी सीधा सीधा मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। अखाली मने नहीं किए, कही तुम्हार अरे मरम मैं जाना। बोले हम आपका मरम जान गए हैं, हम नाव नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये आज पहली बार भेटाए हैं, आई बोल रहे हैं कि आपका मरम जान गए, हम जन्म से आपके साथ लगे हैं, आज तक हम आपका मरम नहीं जान पाए। ये केवड़ जी कैसे जान गए? राम जी बोले, हम नहीं बोल रहे ना कि वो जान गए, वो बोल रहे हैं, तो उनसे पूछिए कैसे जान गए और का जान गए। लक्ष्मण जी बोले कि कौन सा मरम जान गए? केवड़ जी बोले, मैं जान गया कि आपके भैया कौन है। कैसे जान गए? केवड़ जी बोले, देखिए वर्षों से एक ही काम है, नाव चलाना। जो भी आता है मेरे से नाव मांगता है, लेकिन आज तक कोई ऐसे नहीं मांगा जैसे आपने मांगा मेरे से। आज तक जो भी आया मुझे आदेश दिया, नाव ले आओ। पहली बार जीवन में कोई आया है जिसने आदेश नहीं किया है, जिसने मेरे से नाव लाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना करके आपने सिद्ध कर दिया कि मैं इस नाव का मालिक हूं। आप किसी से प्रार्थना तब करते हैं जब आपको पता रहता है कि जो सामान मांगा जा रहा है वो हमारा नहीं है, उनका है। आप मान रहे हैं प्रभु कि मैं इस नाव का मालिक हूँ। एक छोटे से मल्लाह को आज आपने मालिक बना दिया प्रभु। छोटे को बड़ा बनाने का व्यवहार केवल भगवान को आता है, और मैं जान गया कि आप भगवान हैं। इस मरम को मैं जान गया प्रभु, आप कौन हैं, और मैं ये भी मरम जानता हूं कि आप यहां पर क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, इसमें जानने की कौन सी बात है? गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, गंगा पार करना चाहते हैं। केवड़ जी बोले, आज पार करने नहीं आए हैं राम जी। लक्ष्मण जी पूछे, फिर कहाँ करने आए हैं? केवड़ जी बोले, पार करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं, वही बोल रहा हूं। आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, ये वही राम जी हैं जिन्होंने तीन पग के भीतर तीन लोक चौदहों भुवन नाप दिया था। अभी तीसरा पग बाकी था। जो दो पग में पूरी सृष्टि नाप सकता है वो गंगा पार करने के लिए नाव मांगेगा? मैं जानता हूं आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। आज राम जी गंगा और नाव को माध्यम बनाकर अपना चरणामृत पिला के इस केवट को पार करने आए हैं। इस मरहम को मैं जानता हूं प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा। हम नाही नियारा। नियारा बुझाता राकेश जी? नियारा मने भीरी, लौगे। भोजपुरी बोले समय नजदीक कौन शब्द है? आरा में कहा जाला महाराज भीरिए बा। भोजपुरी ऐसी कोई भाषा नहीं है। हमारे वो कलकत्ता में है राम जी, बक्सर के रहने वाले हैं, तो विभूति एक्सप्रेस चलती है हावड़ा से लेके प्रयाग तक, पटना बक्सर आरा मुगलसराय होते हुए, तो वो उसी से वो गाँव आते हैं। तो बोले महाराज हमारा घर खाती तो भभूतिये ठीक बिया, विभूति ना भभूति। बोली महाराज राति खान 8 बजे बैठी, 5 बजे भोर में बगसर ढाई दे ले जाके उतारे लेना, ढाई दे ले। केवड़ जी कहते हैं, हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाइफ आपन नैया हो,
कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाहिनी यारा, हम नाहिनी यारा, लाई पयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरी पत्थरक तीरिया, पत्थरक तीरिया, बनौनी रौआ राजा जी ई सब कहेला, होई सब कहेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी साफ साफ मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। क्यों? मैंने सुना है प्रभु आपके पांव में जो धूल है वो धूल कोई साधारण धूल नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। चरण कमल रज कहूं सब कही, सब कहते हैं क्या, मानुष करनी मूरी कछु आहाई। मनुष्य बनाने वाली कोई सजीवन मूरी है, जड़ी बूटी है पांव में। और ये राम जी ये बात समझिए, हम आपके आप में दोष नहीं निकाल रहे हैं। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, केवट भैया ने कहा प्रभु रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। न आपके दोष न रौरी गोड़ के दोष, कुल ही दोष धुरिया के बाप प्रभु। अच्छा लक्ष्मण जी आप बताइए, लकड़ी कठोर होता है कि पत्थर? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले लक्ष्मण जी जब कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो ये लकड़ी के नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा। ऊपर से ही पत्थर इतनी कठोर भी नहीं है, पानी में रहती है, पानी में दिन रात रहते रहते हमार लकड़ी के नाव पानी पी पी के और ही मोटा गल बिया, मुलायम हो गल बिया। पत्थर को टाइम लगा होगा, नाव को स्त्री बनने में टाइम लगने वाला तुरंत मेहरारू बन जाए। ऐसे कहतनी पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। कहिए पावन गोड़ पखार के अब पावन नाव पे चढ़ाएं, का आज्ञा बा। भगवान केवट जी की बात सुनकर तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर आए। माँ की ओर देखकर भगवान मुस्कुराए, भेटाइल बच्चे लाए बेरा। लक्ष्मण जी देखे भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला आज जीवन में, अब पहले एक्सपीरियंस में आपका मैनेजमेंट फेल हो गया।
आप सोची रउआ नाव मांगतनी मना कह दलस ना लिया है। हम नाव मांगती मना करतन तो बताइयो देती हम। राम जी मन में सोचे रउआ बता देती यही से रउआ के मांगे ना देनी हो कि रउआ बता देती। भगवान बोले कि भगत जी हैं ये भगत है, ये भक्तों की भाषा है। लक्ष्मण जी बोले हाँ जो आपकी बात न माने सब आपके भगत हैं। राम जी बोले इसको छोड़ के कौन नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी बोले सुमंत जी को बोले थे ना कि वापस चले जाइए अयोध्या, पीछे देखी देखिए ना रथ लेके खड़े हैं गए नहीं है। उनको आप बोल रहे हैं कि चले जाओ उजा नहीं रहे हैं, इनको बोल रहे हैं आ जाओ ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो बोलते हैं सब उसका उल्टा कर रहा है और आप कहते हैं भगत जी हैं। राम जी बोले अयोध्या से जब चले थे हम तो वनवास केवल मेरा हुआ था, चलते समय भाई साहब आपको भी मना किया मत चलिए, माने थे आप। सीता को बोला मत चलो, सीता मानी। घर से चलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने हम समझ गए कि आज मोहनी बिगड़ गई हमार। अब जे भी भेटाई आज दिन भर क्यों हमार बात माने वाला नहीं खे। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से ये बताइए आपको यही डर है ना कि राम जी पांव रखेंगे तो आपकी नाव स्त्री बन जाएगी, तो स्त्री बन जाएगी तो इसमें कौन बड़का बवाल है, रहिएगा आराम से। कैसी बात करते हैं, हमार 10-12 छोट छोट लड़का है, इसी नाव के चलते घर में भोजन जाएगा, नाव चली जाएगी लड़का हमार भूखो मर जाएंगे, हम लोग पूजा पाठ भी नहीं जानते कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और समस्या को देखना है तो दर्शन करिए, नाव मेरी स्त्री बन जाएगी तो घर में एक मेंबर बढ़ जाएगा भोजन करने वाला, अजौना काम से रोजगार से रोटी आवता रोजगार समाप्त तो हो जाएगी। कितनी बड़ी समस्या आप बताइए, रोजी रोटी समाप्त, घर में भोजन करने का एक मेंबर बढ़ गया, और घर में जो पहले से मेहरारू हमार है उसको ले जाकर दूसरकी को दिखाकर क्या बोलूंगा। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी पांव से नाव को छुए नाव मेहरारू बन गई। केवट जी बोले हमरी वाली से पाला निखे ना पड़ल कहियो राहुल, यदि उससे कहूंगा कि राम जी पांव से छू कर नाव को स्त्री बना दिए कहेगी दिमाग ठीक है बेवकूफ समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके आए हो हमको उल्लू बना रहे हो, इस पर क्या समझाऊंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले तब से भगवान को समझा रहे हो अब मेहरारू को नहीं समझा सकते हो। केवट जी हाथ जोड़कर बोले देखिए राम जी को समझाना सरल है, क्या भैया राम जी को समझाना सरल है लेकिन घरवा जे बाड़ी ओके समझावल सरल नहीं है, इसलिए प्रभु जहां सरल है उन्हीं को समझा रहे हैं। पांव धुलवा लीजिए फिर नाव पर बिठा कर ले चलता हूं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा ये बताओ राम जी क्या एक ही बार किसी पत्थर पे पांव रखे हैं, उस घटना के बाद हजारों पत्थरों पे राम जी के पांव पड़े, कोई दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला। यदि ये जड़ी बूटी होता तो हर पत्थर स्त्री में बदलता ना, केवल एक बार घटना घटी। केवट जी बोले हमको भी पता है घटना केवल एक बार घटी लेकिन ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर स्त्री बना उत्तर दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा पत्थर। केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा किए थे। पूछा मुनि शिला प्रभु दे, जिस पत्थर को देख के राम जी इशारा किए थे पांव रखते वो पत्थर स्त्री में बदल गया। एजा घाट पर हजारों नाव खड़ा बाड़ी सन किनारे, हमार नाव बीच में रहलो सी हो, अब बीच नाव को इशारा करके बुलाया जा रहा है यानी खतरा आज भी मडरा रहा है। मैं नाव खोने वाला नहीं हूं, पांव धुलवा लीजिए। भगवान मौन। केवट जी बोले देखिए यदि पांव नहीं धुलवाना तो एक और उपाय है हमरी लगे,
एही घाट ते थोड़ी के दूर आहे कटिलों जल थाह देखाई हो जो। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए। लक्ष्मण जी बोले कितना दूर? बस थोड़ा आगे और ही दिखाव ना ना तो थोड़ा आगे चलना है। हम जानते हैं जगह, वहां कमर भर पानी है, केवल नाव की आवश्यकता ही नहीं है, पैदल पैदल पार करा दे। चली ना, अरे हेल जा, हेलल बुझाता, अरे हेल जा, हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिये, हेल जा, हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिये। केवट जी बोले बगले में एकदम हेले लायक पानी बा, चली ना पैदले पार। राम जी बोले बहुत बढ़िया, चला जाए वहां पर। केवट जी बोले राती खान, दिन में ना रात में ले चले। क्यों? केवट जी बोले मूर्ख नहीं हूं प्रभु, अभी सवेरे सवेरे बोहनियों नहीं हुआ है हमार। यदि सवेरे सवेरे आपको ले चल के बता दूं कि यहां से पैदले पार हो जाएंगे, आप बताई कौन पसेंजर हमारी नाव पर बैठे आई। जहां ही मार्केट में लीक भइल कि ओइजा से पैदले हेल जाए के बा, जो आएगा पैदले पार हो जाएगा। हम अपनी रोजी रोटी पर क्यों लात मारे, दिन भर प्रतीक्षा करिए, अन्हार भइला पर ले चले। राती खान, भगवान बोले नहीं अभी जाएंगे। तो केवट जी बोले पांव धुलवा लीजिए। अरे पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, थोड़ी कृपा करिए नाथ। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, फिर आइए बैठिए, फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए, फिर सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। धोके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा, साध की साधनाओं में खो जाऊंगा, साध की साधनाओं में खो जाऊंगा। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए, फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए, फिर सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी मैं जानता आपका
पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। मेरी नजरों में राघो बसर कीजिए, मेरी नजरों में राघो बसर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धूल राखें नहीं रो सकी, जितने आंसू थे आंखें नहीं रो सकी। सिर पे राजन के प्रभु अपना कर कीजिए, सिर पे राजन के प्रभु अपना कर कीजिए। आइए कीजिए, पाँव धुलवा थोड़ी नजर कीजिए। भगवान से केवट जी बोले, प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। हम लोग दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते, बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूँ, अब मेरे बाद हमारे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते, इसलिए प्रभु पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी निकाल देता हूँ कि नाव बची रहेगी, फिर आपको इस पार ले चलता हूँ। करू भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मौन खड़े एकदम चुप। केवट जी पांव पकड़ के रोने लगे भगवान के, अरे कुछ ना जनाला, हमारा कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार, हमारा कुछ ना जनाला, एक बात बोली सरकार, नाव बन जाई नारी तो मूर्ख बनब हम भारी, नाव बन जाई नारी तो मूर्ख बनब हम आरे, नहीं के कमैया हमार बाल बच्चा खाला, ए हो
हमारा कुछ ना जना जब लड़िका पढ़े जाला सन तो विद्या आरंभ होला ओइजा लिखावल जाला राम गति देहु सुमति राम गति देहु सुमति इहे पहिले लिखावल जाला। केवट जी कहतनी सरकार हम इतनो नहीं पढ़ले हम अरे ना जननी राम गति कैसे लिखल जाला हमारा कुछ ना जनाला ए हो मालिका। केवट जी अपनी दैन्यता पर उतर गए, भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी थोड़े रुष्ट हुए, बोले पार जाना है कि नहीं जाना है, ऐसन पसेंजर से तो आज ले भेटे ना भई रहा हमारा, एक बार नाम मांग के कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे नहीं जाना है तो बताइए, आप नहीं जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा और आनंद बढ़ेगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं जाएंगे तो कैसे आनंद बढ़ेगा आपका। केवट जी बोले नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा, इससे अधिक आनंद और क्या जीवन में होगा, मत धुलाइए। अब तक तो मैं कहता रहा कि पांव धुलवा लीजिए मैं धोऊंगा, अब मैं कहता हूं मैं पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है राम जी तो आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धोवो और हमको नाव पर बिठा कर उस पार ले चलो। भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर रघुनाथ जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक मन में भाव आया, बोले प्रभु अब समझ में आई समस्या, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए आप। केवट जी बोले राम जी जोन कपड़ा पहने हैं इस कपड़ा में कहीं जेब नहीं बना है, और जेब नहीं बना है इसका मतलब जिस तरह हम ठन ठन गोपाल हैं उसी तरह ये भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ है नहीं इनके पास। अब मैंने इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगा तो भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ही नहीं, मारे संकोच के नहीं बोल रहे हैं ना, अभी मुक्त करता हूं। केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा नाव पर बिठाऊंगा गंगा के पार पहुंचाऊंगा, सौगंध लेकर कहता हूं रघुनाथ जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही गंगा पार करके चलाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई राम ननाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची। केवट जी बोले पांव धोऊंगा नाव पर बिठाऊंगा गंगा पार ले जाऊंगा, रघुनाथ जी कुछ नहीं मांगूंगा ऐसे ही चलाऊंगा। आपको विश्वास नहीं है राम जी तो आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य बाबूजी की सौगंध लेता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आया आवेश, इसकी इतनी हिम्मत इसने पिताश्री और भैया की सौगंध ले ली, निकाल लिए बाण मार दूंगा इसको। केवट जी बोले बहुत सुंदर, बड़ा भाई मांग रहा है छोटका बाण दिखा रहा है मार दीजिए। परुतीर मार हो लखनऊ पे परुतीर मार हो लखनऊ पे जब लगी न पाया पखारी हो तब लगी न तुलसी तुलसी दास नाथ
दासना। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बाण मारना चाहते, तुरंत मारिए, मैं तैयार हूं, आप मारेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले, हर बतिये में तुम्हारा कल्याण है, मरने में कौन सा कल्याण है। केवट जी बोले, मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव को सदगति हो जाती है, आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी ही आंखों के सामने रहेंगे, इससे बड़ी मृत्यु किसको प्राप्त होगी, जल्दी मारिए। और एक बात बोले, मरते समय गंगा जी का बूंद डाला जाता है ना मुख में, आप जैसे बाण मारेंगे ना लक्ष्मण जी, हमको बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी बाड़ी, बाण लगने के बाद मैं सीधे गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीऊंगा जब ले मरी ना जाऊं। अब बताइए, लाभ नहीं है, आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर है, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ राघव रहेंगे और दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी, ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलेगी, हम एकदम तैयार हैं, जल्दी मारिए, लेट मत करिए। अब लक्ष्मण जी सुनी तो बड़ा ज्ञानी है हो, लक्ष्मण भैया बाण अपना पीछे रख दिए, केवट जी की इस अटपटी बात को सुनकर, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चित जान की लखन तन। केवट भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए बिहसे और कृपा के सिंधु रघुनाथ जी ने केवट जी पर कृपा कर दी। कृपा सिंधु बोले मुस्कुराए, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो। भगवान ने केवट जी से कहा, केवट जी शीघ्र जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए, उस पार पहुंचाइए, विलंब हो रहा है। जैसे भगवान ये बात बोले, केवट जी वहीं बैठ गए। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, तो बैठ गए भाई साहब, पूछिए क्या हुआ। लक्ष्मण जी बोले, क्या हुआ, धोने के लिए बोले हैं, लाकर धोते क्यों नहीं हो। केवट जी बोले, धोने के लिए बोले होते ना तो कब का धो दिया होता, राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, धोना पखारना अलग है का भाई साहब। केवट जी बोले, एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता, धोने का मतलब अकेले ला के रगड़ के धो दो, और पखारने का मतलब बगल में परिवार को, पत्नी को, बच्चों को बिठा के और सबके साथ धोने का नाम पखारना है, अकेले कैसे पखार दे। श्रीमती जी तो घर में, अकेले कैसे पखार दे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने, सीधा सीधा बोलते धोने के लिए, अभी पखारने का कितना भारी अर्थ निकाले हैं। राम जी बोले, ये बताओ, जैब तैब न, तीन घंटा से जा खड़ा कर ले बढ़ा। केवट जी बोले, प्रभु गया और बुला के लाया। रघुनाथ जी ने आदेश दिया और दर्शन करिए, कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के, केवट जी गए
बुलाई बालक घर नी हूं। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, केवड़ जी ने सबको सिखाया, नदी के किनारे जाइएगा, दुईठे पुरुष हैं सांवले गोरे, गोरके के पास भूल कर मत जाइएगा, बहुत डेंजरस है, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है, गोरे वाले एकदम खतरनाक, सांवले वाले बोलते ही नहीं है, 3 घंटा बाद तो एक बार हमसे अभी बोले हैं, उनके पास जाकर अब बंदी के चरण चहू देसी बैठे केवट जी ने सिखाया है कि चारों ओर से राम जी को घेर के बैठ जाना। पत्नी पूछी, प्रणाम करना तो ठीक है, ये घेरने का क्या मतलब? केवट जी बोले, 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और राम जी वहीं खड़े रहेंगे। केवट जी का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ गया। केवट जी पहुंचे घर, सोचने लगे कठौता ले चली कि कठौती ले चली, दिमाग लगाए, कठौता स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का असर होगा तो मेहरारू बनी, कठौता पुलिंग है, जड़ी बूटी का असर हुआ और लड़का बन गया तो आनंद हो जाएगा, यही लड़कवा से दिन भर नाव चलवाएं और साजी का हिसाब लिहल करें, मालिक बन जाएं हम, कठौती नहीं लिए, छोटू सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, छोटा सा कठौता लिए, इतना छोट कि राम जी के कहीं गोड़ावेओं में, छोटा कठौता में गंगा जल लेकर आए, बोल नहीं रहे कि गंगा जल है, गंगा जी के पानी ले आई बनी। लक्ष्मण जी बोले, पानी की जल? केवट जी बोले, आपके लिए जल होगा, हमारे लिए पानी है, इसी गंगा पानी में हम लोग सारा कर्म करते हैं, लेकिन आज इस गंगा पानी को गंगा जल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको लेकर आया है। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, राम जी से बोले, भैया जान बूझ के छोटा लाया है, ये बड़ा क्यों नहीं लाए? केवट जी बोले, मलिकार छोट आदमी के सब सामान छोट हो ले, रुआ जोन छोट लौकता ना हमरी आंख से जब देखेम तो उहे रुआ के बड़ दिखाई देवे लगी, हम छोटे आदमी हैं सरकार, हमरी लगे सब छोट छोट सामान है, अब क्या करेंगे, इसी में धुलाना पड़ेगा, भगवान का दाहिने पांव रखे, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर, बदल बदल के कई बार पिए, दाहिना पांव धोए और धोकर पूरा पानी पी गए, बोले प्रभु बायां बाकी भाभी, रुकी रुकी। लक्ष्मण जी बोले, हम जानते थे यही करेगा ये, अब गया दोबारा लेकर आएगा, गए फिर गंगा किनारे जल लेकर आए, बायां पूरा रगड़ के धोए और धो के बैठ गए, भगवान बोले पांव निकालो बाहर, बोले प्रभु भूल हो गई मेरे से, क्या कर दिए? बोले दाहिना पांव प्रभु धोया था मैं, आप फिर से नीचे रख दिए और फिर से धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले, ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा, बोले प्रभु बायां में नहीं लगेगा, बायां को पोछ देता हूं, इसको आप हमारे गमछे के ऊपर रखिए प्रभु, आ दाहिना पांव एक बार और धुलाना पड़ेगा, धूल लग गया है नाथ उसमें। भगवान बोले ठीक है जाओ, तीसरी बार पानी लाए, दायां पांव दोबारा रगड़ के धोए और तीनों बार का पानी अपने पी गए, अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, धो लिए ना, अब पार ले चलो। केवट जी बोले, हमार लड़का हमार मुंह देखे आज बड़ा सन है, जो हमारे परिवार बच्चे आए हैं, हम पियत रहनी तो छोटका मुंह बोले रहला। लक्ष्मण जी बोले, 3 बार तुम पिए हो, बच्चों की याद नहीं आई? केवट जी बोले, पहले हमार पेट भर जाओ तब ना इनकर भरने के सोचे, प्रभु 3 बार में मैं तृप्त हो गया हूं नाथ, एक बार और धुला लेंगे नाथ, छोटे छोटे बच्चे हैं नाथ, इनको भी प्रसाद मिल जाएगा। भगवान बोले ठीक है जाओ,
चौथी बार गए पानी लेकर आए धोए, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा। राम जी स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं और केवट जी भगवान के चरणामृत को लेकर अपने बच्चों का मुख खोल खोल के और अपने हाथ से बच्चों के मुख में डाल रहे हैं, और भगवान के सामने ही केवट जी ने पूरे परिवार को तार के रख दिया, सबको चरणामृत पिलाया। पूरा परिवार जब पी लिया, लक्ष्मण जी बोले खोज लके वो छूटल निखे ना, सब पी लिहल, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उस पार चले जाएंगे, हमको लौट के इस पार आना है ना, कौनो पुकी आएंगे इधरे आएंगे, किधर से भी आएंगे लौट के इसी गांव में आना है, गांव वाले छोड़ेंगे? एक झंझट से निकाल कर दूसरे झंझट में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु, एक बार इसके एक बात के वो बचले नहीं थे, एक बार और धुला लीजिए। पांचवी बार प्रभु ने कहा ठीक है जाओ, गए जल लाए धोए। अब सोचिए गांव में कितने आदमी होंगे, खोज खोज के केवट जी लगे चरणामृत बांटने, बांटते बांटते आंख से ओझल, क्यों खेत में काम करता तो चले गए खेत में बांटने, 2 घंटा समय लगा। केवट जी का परिवार राम जी के चारों ओर बैठा है, लक्ष्मण जी आग बबूला, केवट जी के बच्चों से पूछे कहां गए तोर बाबूजी, लड़का बोले हम कहा जानी कहां गए। 2 घंटा बाद केवट जी नाचते सबको चरणामृत पिला के आए, लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला बोले अब लेके चलो उस पार। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे, राम जी से जाकर बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा अभी है? अब क्यों धोगे, अब कौन बचा है, कितना विलंब हो गया है, अब किसके लिए धोगे, कितना विलंब हो रहा है, केवट पार उतारो। केवट जी बोले प्रभु ऐसा ना कहिए, आपसे पहले भी पार होने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है केवट जी। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप अब तक उन लोगों को देखे नहीं हैं इसलिए सब फंसे हुए हैं, आपकी दृष्टि पड़ गई होती नाथ सब कब के पार हो गए होते, कोई पार नहीं हुआ है अब तक। पूछे कौन पार नहीं हुआ है, बोले मेरे पितृ पार नहीं हुए नाथ, जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मैं अपने पितरों को आज देना चाहता हूं, एक बार पांव धुला लीजिए। प्रभु ने अनुमति दी, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले प्रभु ने आज्ञा दी। केवट जी अतियानंद उमगी अनुराग, अति आनंद अति उमंग अति अनुराग के साथ जल लाए और भगवान के चरणों को पखारने लगे। याद रखिएगा यहां पर, केवट जी जैसे गंगा जी को लेकर आए, गंगा जी ने भगवान के पांव के नख को देखा, पद नख निरकि देव सरी हरसी। गंगा जी केवट जी को धन्य धन्य करने लगी, क्यों? केवट जी से गंगा जी बोली, केवट जी एक ब्रह्मा जी हैं जो मुझे भगवान के चरणों से दूर कर दिए, और एक आप हैं जो फिर से मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचा दिए। केवट जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।
केवट जी ने भगवान के चरणों को पखारा और उन्हीं चरणों से पितरों को तर्पण करके और अपने पितरों को केवट जी ने मुक्त कर दिया। पूरा देव समाज केवट जी पर पुष्प की वर्षा करता है।